हाय क्वींस, मैं हूं आप सभी की चहेती डॉक्टर शिवांगी मलेटिया। क्वींस, ऐसा क्यों होता है कि हमें जीवन में हमेशा कुछ ना कुछ मिसिंग, इनकम्प्लीट, कुछ ऐसा कि कमी है? क्या कमी है ना जाने क्या कमी है, लेकिन कमी है। किस चीज़ की कमी है पता नहीं, लेकिन कमी है। कोई भी चीज़ कितनी भी अच्छी क्यों ना हो जाए, हमेशा उतर के सेकंड नंबर पे आ जाती है और फर्स्ट प्लेस कोई और चीज़ ले लेती है। इसी कारण हम लोग जिंदगी में कभी संतुष्ट महसूस नहीं कर पाते, कभी फुलफिल्ड महसूस नहीं कर पाते। और जब तक वो फुलफिलमेंट, वो कंटेंट लाइफ का हिस्सा नहीं बनती ना, तब तक जिंदगी एक जद्दोजहद, एक बस खींचते जाओ खींचते जाओ, एक ऐसी जर्नी बन जाती है। थकते भी हैं लेकिन फिर सोचते हैं कि अरे थकने से बात नहीं बनेगी, वो काम जब तक पूरा नहीं होगा ना, मैं आराम से नहीं बैठ सकती, चैन नहीं ले सकती मैं। और जैसे ही वो काम पूरा होने को होता है, उससे पहले उससे ज़्यादा बड़ा काम हमारा टारगेट बन चुका होता है। होता है ना ऐसा कितनी बार। एक बार ऐसे ही ना, एक राजा था। वो राजा बहुत बड़ी किंगडम का राजा था और हर साल वो कोई नया एक एरिया, एक नया टाउनशिप, एक नई सिटी अपने अंडर, अपने राज्य में ले लेता था, वॉर्स फाइट करके और बहुत सारी जंग लड़के। क्योंकि उसे लगता था हर साल मेरा राज्य पहले से ज़्यादा बड़ा, पहले से ज़्यादा धनवान हो जाना चाहिए और हर जगह बस मेरा ही नाम होना चाहिए कि ये फलान राजा हैं, बस वही राजा हैं यहाँ के और कोई नहीं बचा। तो उन्हें एक और बात पे बड़ा घमंड था। उन्हें घमंड था कि भाई चाहे मैं कैसा भी राजा हूँ, लेकिन अगर मेरे पास कोई रिक्वेस्ट लेके आता है या कुछ मांगने के लिए आता है, तो मैं उस इंसान की हर मुराद पूरी कर सकता हूँ। चाहे कोई मुझसे 100 अशरफियाँ मांगे, कोई 1000 अशरफियाँ मांगे, कोई बड़ा सा घर मांगे, कोई कुछ मांगे, कोई एक पीस ऑफ लैंड मांगे खेती बाड़ी करने के लिए, मैं सब कुछ दे देता हूँ। मैं इतना दिलदार हूँ, इतना धनवान हूँ, ना केवल बाहर से बल्कि अपने दिल से भी। तो राजा का ना हर रोज़ एक फिक्स टाइम होता था। वो अपने बहुत बड़े वन में, जिसमें उसने बहुत सुंदर सुंदर पेड़ पौधे और हर तरह के पक्षी पशु, जो सुंदर सुंदर पशु होते हैं, हर चीज़ उन्होंने मतलब एक तरह का एक सेंचुरी, मिनी सेंचुरी तैयार की हुई थी खुद के लिए। और वो हर रोज़ शांति के कुछ पल ढूंढने वहाँ जाया करते थे, प्रकृति से तालमेल बिठाने वहाँ जाया करते थे। और उन चंद घड़ियों में उन्हें किसी से भी मिलना अलाउड नहीं होता था। लेकिन हर रोज़ राजा के महल के बाहर बहुत सारे लोग जब उनसे रिक्वेस्ट करने आते थे, उनसे अलग अलग चीज़ें मांगने आते थे, तो एक भिखारी भी होता था। लेकिन उस भिखारी का बेचारे का कभी नंबर ही नहीं आता था, क्योंकि उनसे आगे इतने सारे लोग होते थे जो थोड़े से और बेटर, थोड़े से और बेटर पोजीशन में हैं, जुगाड़ लगा के इधर उधर से कहीं ना कहीं से घुस जाते थे और राजा से पहले मिल लेते थे। और जब तक उस भिखारी के बेचारे की बारी आती थी, तब तक भैया सभा ख़त्म हो जाया करती थी। तो भिखारी ने इस तरह से कम 10 साल वेट किया। हर रोज़ सही तरीके से आता था, राजा से मिलने की कोशिश करता था, फिर वापस पहुँच जाता था। लेकिन भाई इस बार भिखारी ने सोचा कि अब 10 साल हो गए हैं मुझे, अब मैं राजा से मिलकर ही रहूँगा और वो मांगकर ही रहूँगा जो मैं मांगना चाहता हूँ। तो एक दिन राजा ऐसे ही उपवन में टहलने गए और कड़े मतलब जो उनकी सिक्योरिटी थी, उसके बावजूद वो जो भिखारी है वो नज़रें चुरा के यहाँ वहाँ से कहीं से घुस गया उस उपवन में। और उपवन की सुंदरता को निहारते हुए राजा की नज़र जैसे ही उस भिखारी पे पड़ी, वो एकदम से बौखला गए। इतने सुंदरता के अंदर तुम जैसे ही मतलब एक बदसूरत आदमी का क्या काम है यहाँ पर, इतने फटे हाल बदबूदार कपड़ों में तुम घूम रहे हो, नहा धो क्यों नहीं लेते हो, यहाँ क्या कर रहे हो, सिपाही हो सिपाही हो, ऐसे बुलाने लगे राजा। तो इतने में ही, इससे पहले कि सिपाही वगैरह आते, तो उसने भिखारी ने कहा कि भाई राजा साहब, मेरी कोई खास आपसे रिक्वेस्ट नहीं है, मैं पिछले 10 सालों से आपके दरबार पे आता रहा हूँ और बस एक ही मेरी इच्छा थी। और वो अपना कटोरा ऐसे निकालता है और कटोरे को ऐसे राजा के सामने कर देता है कि इस कटोरे को आप भर दीजिए बस।
राजा जोर से हंसता है, कहता, अरे मैं इतने बड़े बड़े काम कराता हूँ लोगों के, इतनी बड़ी बड़ी ख्वाहिशें पूरी करता हूँ, और तू बेवकूफ भिखारी, तुझे बस यही ख्वाहिश मिली थी कि इस कटोरे को भरना है मुझे, ये तो मैं चुटकियों में कर सकता हूँ। भिखारी कहता है, सोच लो राजा साहब, अपने वचन देने को हो, अगर एक बार वचन दे दिया तो इस कटोरे को भरना पड़ेगा, ये मैं खाली वापस नहीं लेके जाऊंगा। राजा ने कहा, अरे दिया तुझे वचन, और जल्दी से अपने सिपाही को बुला के कहते हैं, सोने की अशर्फियां ले आओ, इतनी इतनी अशर्फियां ले आओ, इतने में तो भर जाएगा ये कटोरा। तो सिपाही भागा भागा गया और इतना इतना बड़ा एक कटोरा ले आया सोने की अशर्फियों से भरा हुआ, कि भाई इतने में तो काम चल ही जाएगा, ये तो छोटा सा कटोरा है, भर जाएगा। वो जी डालने लगा कटोरे में, वो कटोरे में से अशर्फियां डल तो रही हैं, लेकिन कटोरे के अंदर से जा कहाँ रही है किसी को समझ नहीं आ रहा। अशर्फियां डलती रही, बोरे के बोरे डल गए अशर्फियों के। फिर भाई नंबर आ गया डायमंड्स का, जेम्स का, अलग अलग क्या कहते हैं ज्वेलरी का, सबका नंबर आता गया, सारा कुछ खाली होता गया, लेकिन भाई वो भिखारी का जो कटोरा है वो भरने को नहीं हुआ, और राजा साहब की आंखें फटे की फटी रह गई। राजा ने कहा, ये आखिर हो क्या रहा है, ये सारी अशर्फियां, ये सारे पैसा, ये धन जा कहाँ रहे हैं, ये इसका कटोरा भर क्यों नहीं रहा। और फिर राजा को समझ आ गई कि ये कोई आम इंसान नहीं है, ये कोई पहुंचा हुआ ऋषि मुनि है, या कोई पहुंचा हुआ ऐसी आत्मा है जो मुझे कोई सबक देने आई है। तो राजा एकदम से अपने घुटने टेक कर उनके सामने बैठ गए और कहते हैं कि महाराज, मैं कुछ भी नहीं, आप ही हैं जो भी कुछ हैं, आप प्लीज़ मुझे समझा दीजिए, मेरे तो सारा खजाना खाली हो गया, लेकिन आपका कटोरा भरने को नहीं है, ये कटोरा है क्या, किस धातु से बना है, और ये सब कुछ कहाँ जा रहा है, ये सारा सोना पी गया, सारा जेवरात पी गया, सब कुछ ले गया, लेकिन भरा नहीं, अभी भी खाली है, देखो। तो जो भिखारी थे, ऑफकोर्स वो एक बहुत ही पहुँचे हुए और सिद्ध पुरुष थे, और उन्होंने बहुत कामली मुस्कुराते हुए राजा से कहा कि ये कटोरा इंसानी दिमाग से बना हुआ है, इंसान की जो खोपड़ी होती है उसकी उससे बना हुआ है ये कटोरा, और जिस तरह से इंसान की खोपड़ी कभी संतुष्ट नहीं हो सकती, उसमें जितना भी कुछ जाए, जो भी कुछ वो इंसान हासिल कर ले, उस खोपड़ी को हमेशा आप खाली ही पाओगे, जितनी जल्दी वो हासिल करता है उससे भी ज़्यादा जल्दी, बल्कि उससे पहले ही एक नया स्पेस क्रिएट होने लग जाता है उस खोपड़ी के अंदर, एक नई चाहत आ जाती है, एक नया डिजायर आ जाता है, एक नया हासिल करने का एक जुनून आ जाता है, कुछ नया, कुछ और ऊंचा, कुछ और बेहतर, कुछ और ज्यादा। क्या एम्बिशंस रखने गलत है? नहीं, एम्बिशंस रखने गलत नहीं है, लेकिन लाइफ में कभी भी संतुष्ट ना होना, और हर एम्बिशन को जो कभी तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा, एक बड़ी, बहुत ऊंचा स्थान रखता था, तुम हमेशा ऐसे सोचती थी कि मैं वो हो जाऊँ, मेरे पास वो आ जाए तो शायद सब कुछ आ जाएगा, और आज शायद तुम्हारे जीवन में सब कुछ है क्वीन, तुम्हारे मेरे जीवन में शायद वो चीज़ें हैं जो आज से 20 साल पहले, 10 साल पहले बचपन में कभी खेलते हुए, कभी कुछ सोचते हुए, अपना एम्बिशन बनाते हुए हमने सोचा था कि ये सब हमारे पास होगा, और आज वो हमारे पास हैं, लेकिन क्या हम खुश हैं, क्या हम संतुष्ट हैं, क्या हम आज उस खुशी को महसूस करते हैं जो हमने उस समय सोची थी कि अगर ये हासिल हो गया तो हमें मिल जाएगी। तुमसे पूछती हूँ मैं, क्या तुम खुश हो? मैं जवाब देती हूँ, नहीं, तुम खुश नहीं हो, अभी भी कुछ मिसिंग है, क्योंकि हम खुश होना भूल चुके हैं, हम चीज़ों की कदर करना भूल चुके हैं, रिश्तों की कदर करना भूल चुके हैं, हमारे लिए हर पल एक नया मोटिव, एक नया लक्ष्य हम साध लेते हैं खुद के लिए, लेकिन लक्ष्य साधो, एम्बिशियस होना अच्छा है, लेकिन साथ ही साथ उस खुशी को पकड़ के रखना बहुत ज़रूरी है, और बार बार खुद को एहसास दिलाना बहुत ज़रूरी है कि कितनी लकी हूँ, कितनी ब्लेस्ड हूँ मैं, कि मेरे पास आज वो सब कुछ है जो मैंने आज से कुछ साल पहले सोचा था कि मेरे पास हो। क्यों ना इस नए साल खुद को ये उपहार दिया जाए
द गिफ्ट ऑफ कंटेंटमेंट, एक संतुष्टि, आत्मसंतुष्टि, एक ब्लिसफुलनेस का गिफ्ट, अपने आप से खुश रहने का गिफ्ट, अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करने का गिफ्ट, ये सोचने का गिफ्ट कि मैंने जो जो सोचा था उसमें से इतनी चीज़ें ऑलरेडी मेरे पास हैं और जो नहीं हैं वो धीरे धीरे आ जाएंगी। मैं काम कर रही हूँ उनके लिए, लेकिन काम करने का अर्थ ये नहीं है कि मैं हमेशा एक एंग्जाइटी में, एक तीव्र इच्छा के चलते दुखी रहूं, मौनलाई रहूं, परेशान रहूं कि ये चीज़ मुझे क्यों नहीं मिल रही है, क्यों नहीं मिल रही है। नहीं, मुझे ये देखकर आगे बढ़ना है कि मेरे पास ये सब ऑलरेडी है और जिसकी तरफ मैं बढ़ रही हूँ वो मैं एक अच्छे, संतुष्ट और एक परिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ूँ। खुशी मेरे पास ऑलरेडी है, जो मैं आगे बढ़ रही हूँ वो शायद मैं एक ग्रोथ फैक्टर की वजह से अपने आप में कुछ इम्प्रूवमेंट लाने के लिए, अपनी ज़िंदगी में हल्का सा और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लाने के लिए आगे बढ़ रही हूँ, लेकिन मैं जहाँ हूँ वहाँ संतुष्ट हूँ। ये फीलिंग आते ही क्या मज़ेदार वाला ब्लिस और आनंद तुम्हें घेर लेगा ना, कि बस आनंद ही आनंद आ जाएगा। ठीक, सो द आर्ट ऑफ गिविंग में गिफ्ट योर सेल्फ कंटेंटमेंट, गिफ्ट योर सेल्फ ब्लिसफुलनेस एंड ग्रैटिट्यूड। आई लव यू ऑल। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें @DrShivangiMiletia यूट्यूब पर। साथ ही साथ हमारी क्वींस का बहुत बड़ा परिवार फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे एंड ट्विटर पे भी आपको वेट कर रहा है। आई लव यू ऑल। थैंक यू।